बता गए थे, वो बता गए पूजा पाठ करना पड़ती है। अच्छा, ये पूजा पाठ ही चल रही है। अच्छा, जैन है ना हम लोग, जैन समाज के हिसाब से काम करते जी। पापा एक्सपायर हुए 2014 में। अच्छा, से हमें लोग, पिताजी भी LLB थे। हाँ। उसके बाद ये जो पैतृक एक व्यवसाय है उसी को संभाल रहे हैं। कभी लगा कि मतलब शायद नौकरी की तरफ जाना चाहिए, जब पढ़ाई कर रहे थे उस दौरान लगा हो या उसके बाद भी? यहाँ पर 3 फोटोज लगी हुई हैं। बीच वाले पापा हैं। अच्छा, और जो अगल बगल वाले हैं यही चर्चा है कि बहुत पुराने समय से चली आ रही अच्छी दुकान है, पहले रोड पे लगती थी, फिर अंदर आई, फिर पक्की हो गई। अच्छा, अब उनके बेटों ने संभाल लिया। बहुत अच्छा शुरू, बहुत पुराना कारोबार है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आप मेरे सामने कुछ फोटोज देख रहे हैं। स्वर्गीय श्री कंछेदी लाल जैन जी, स्वर्गीय श्री देवेंद्र कुमार जैन जी, स्वर्गीय श्री दालचंद जैन जी, और उसके साथ कुछ और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शताब्दी समारोह 26 जनवरी 2018 की, जिस चीज़ को हम दिखाने वाले हैं वो आप कई तरीके से देख चुके होंगे, लेकिन हम एक नए तरीके से, नए नज़रिए से उस चीज़ को दिखाने वाले हैं। जिस जगह पर हम हैं ये जगह है बड़ा फुहारा, और जिस दुकान पर हम हैं ये दुकान 100 साल से भी ज़्यादा उम्र तय कर चुकी है। 3 पीढ़ियाँ हैं, वो 3 पीढ़ियाँ क्रमबद्ध तरीके से इस दुकान को चला चुकी हैं, और अब 4थी पीढ़ी यहाँ पर दुकान पे मौजूद है। ये जगह है देवा मुगौड़ी वाली दुकान, जो 1918 में इस्टेब्लिश हुई थी, और 2018 में इसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लगभग 103 वर्ष पे ये दुकान है, और ये भैया हैं, इनसे हम बातचीत करके जानते हैं इस दुकान के बारे में, इनके इतिहास के बारे में और इस विशेषता के बारे में। भैया, देवा भैया, हम आपसे जानना चाहते हैं दुकान कब, मतलब आपके दादाजी ने शुरू की थी? हाँ, दादाजी ने शुरू की थी, फिर आपके पिताजी ने इसको चलाया। हाँ, फिर उसके बाद आप लोग चला रहे। तो क्या कारण है जो ये एक कमाल का हुनर, एक प्रकृति का चमत्कार कहें या आप लोगों की ये साधना कहें जो आप कर पाते हैं? आपको दिखा रहे 5 मिनट जी। हाँ, तो चलिए अभी भैया दिखा रहे हैं आपको ये सारी चीज़ें। हम कैमरा पर्सन से चाहेंगे इसको कवर करें, और उसके बाद फिर हम बातचीत करेंगे। ये मूंग की दाल की मुंगौड़ियाँ होती हैं पूरी, प्याज वगैरह भी इसमें मिलाई जाती है, बिल्कुल सादी जी। लगभग दिन भर में कितनी खपत होती है इसकी? अच्छा, गेंद के नहीं बनते। अच्छा, मतलब ये नहीं है कि हमें 5 किलो सुबह बनाना है या शाम? अच्छा, जितने लोग आएंगे उसके हिसाब से ये बनती रहती है जी। अच्छा, कम पड़ती है हमेशा जी। जी जी, ये देख करके हम लोगों को ही डर लग रहा है, लेकिन गुरु जी की कृपा है और उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है जो ऐसा यहाँ पर कर पाते हैं। गरम तेल में पूरी तरीके से हाथ डाल के ये हम यहाँ पर हाथ अपना रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जल रहा है। पूजा का वक्त हो चुका है अब। हाँ, अभी कुछ समय के बाद हम लोग बातचीत करेंगे। फुटेज तो चल रही है, रुकी थोड़ी ना। दुकान
मुखौड़ी के अलावा और कौन सी चीज़ें यहाँ बनाते हैं? समोसे, आलू पंडे, साबूदाना पड़ा है। तो जब शुरुआत की गई थी इस दुकान की आपके दादाजी के द्वारा, कितनी बड़ी दुकान थी, कभी बताया होगा उन लोगों ने आपको? हाँ, और आप कितने साल बाहर थी? जी, अच्छा, बाहर थी। और आप कितने वर्ष से इस दुकान में हैं? लगभग 25 साल। पापा ने 46 साल किया जी। और गुरु जी की कृपा से, पूर्वजों के आशीर्वाद की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। पिताजी और जो दादाजी थे उनको भी यही चीजें, तो यही आशीर्वाद प्राप्त हुए। कितने डिग्री ये टेम्परेचर रहता होगा? 180 डिग्री। और इस तरीके से कितनी पढ़ाई लिखाई की है आप लोगों ने? पापा ने तो LLB किया। LLB किया था। और आप? B.com फाइनल। तो LLB करने के बाद फिर पूर्वजों का जो ये एक व्यवसाय कहें, एक साधना कह सकते हैं इसको, तो उसी चीज पे आप लोग आ गए। फिर आपके बच्चे क्या कर रहे हैं अभी? शादी नहीं हुई। अच्छा, शादी नहीं हुई। उम्र कितनी है आपकी? 30 साल। और लगभग पूरा का पूरा जीवन जो आपने अभी 15-20 साल का है इसी में दुकान में है। आप भी भैया, आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप भाई हैं। हाँ। तो आप कितने साल से ये दुकान संभाल रहे हैं? सातवीं में। अच्छा, ये सुनो तो दो बड़े और डाल दो। पापा एक्सपायर हुए 2014 में। अच्छा, कितने बजे से कितने बजे तक दुकान चलती है? 1 बजे से 9 बजे। दिन में दोपहर में 1 बजे से रात्रि में 9 बजे तक। और लगातार जो तो लोग आते रहते हैं। पहले दुकान बाहर साइड पे थी। 90 में। अच्छा, 1990 में। 1990 में दुकान को यहाँ अंदर शिफ्ट किया गया। तो वही बिल्डिंग है या फिर इसको चेंज किया गया? नहीं, पहले बिल्डिंग नहीं थी, पहले मेन रोड पे थी बिल्डिंग। अच्छा, अभी बनी है। पहले ये मेन रोड पे थी, फिर उसके बाद ये बिल्डिंग बनी अंदर आ जी। आपकी कितनी पढ़ाई लिखाई हुई? बी कॉम किया है आप लोगों ने, मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। आपके पिताजी भी LLB थे। हाँ। उसके बाद ये जो पैतृक एक व्यवसाय है उसी को संभाल रहे हैं। कभी लगा कि मतलब शायद नौकरी की तरफ जाना चाहिए जब पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान लगा हो या उसके बाद भी? नहीं, भी ये परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि इसी धंधे में आना पड़ा। अच्छा, कि पहले से सोचा था कि मतलब पहले से नहीं सोचा। अच्छा, कि इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ाना है? पहले यही सोचते हैं कि पढ़ लिख गए हैं जॉब करेंगे, लेकिन पापा जी अचानक एक्सपायर हो गए जी, तो फिर इसलिए दुकान ज़्यादा ज़रूरी थी जी। पिताजी लगभग कितने वर्ष तक इस दुकान को संचालित करते? 46 ईयर। उससे पहले दादाजी ने आप? पहले वो दादाजी जी। यहाँ पर 3 फोटो लगी हुई हैं। यहाँ पर 3 फोटोज लगी हुई हैं। बीच वाले पापा हैं। अच्छा, और जो अगल बगल वाले हैं? दादाजी हैं, बड़े दादा। अच्छा, बड़े दादाजी दोनों लोग संभाल रहे थे पहले, फिर पिताजी, फिर आप दोनों भाई ये चीज को संभाल रहे जी। और इसमें क्या मिलाते हैं मुगौड़ी में, जैसे कि अभी आपने बताया कि दाल है, मूंग की छिलके वाली। अच्छा, धनिया मिर्ची, अदरक का पेस्ट है। तो प्याज लहसुन जो आपके समोसे वगैरह होते हैं उनमें रहती नहीं है? अच्छा, प्याज अलग से, अंदर कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, जैन है ना हम लोग जी, जैन समाज के हिसाब से काम करते हैं। एक चीज ये भी अच्छी है कि मतलब उस परंपरा को भी आप संयोजित करके लगातार चलते चले आ रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ फोटोज देख रहे हैं आपके पीछे तरफ, तो इन फोटोज में किन की फोटोज है ये बताइए? उन्हीं की फोटो। अच्छा, और उधर महावीर स्वामी जी, विमल जैन है ना भैया जी? हाँ। और जब 100 वर्ष हुए थे तो अबे सब है, अबे कल ही तो लाई है आप? नहीं, अबे है। चलिए, आप काफी व्यस्त हैं, फिर आप नहीं बोलिए, वो तो चलते जी। डालें अच्छा फटाक, वो तो बेस्ट हाथ पैर चलते। अच्छा, जब पिताजी ने आप, पिताजी के द्वारा आपके हवाले ये दुकान आई, तो इस दुकान के बारे में पिताजी को आपसे पिताजी से आपको विरासत में क्या मिला, क्या उन्होंने बताया इस दुकान को कि कब चलाई थी, कैसी चल रही थी, क्या चीजें? और भैया वो मिला है हाथ डालने वाला वो जी, सबसे बड़ी चीज वही है जो मिली है। बड़ी चीज तो वही, दोनों हाथ से डाल। पहली बार आपको पता कब चला कि मतलब ऐसा
होता है ऐसा पिताजी आपके करते थे? बता गए थे वो, बता गए, पूजा पाठ करना पड़ती है। अच्छा, ये पूजा पाठ ही चल रही है। तो आप यहाँ इस दुकान में कब से आ रहे हैं? जी मुझे आते तो 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। कहीं और के भी आपने ये मंगोड़े खाए हुए हैं? नहीं, टेस्ट तो किए होंगे जबलपुर के किसी और कोने में। किए टेस्ट, लेकिन ऐसा टेस्ट नहीं मिलता। अच्छा, ये टेस्ट आपको नहीं मिलता जी। और उसके अलावा क्या खास चीज़ें लगती हैं आपको यहाँ पर इस दुकान में आके? यहाँ पर दुकान में आके काफ़ी साफ सफाई रहती है, बहुत अच्छे से। अच्छा, टेस्ट वगैरह भी बहुत अच्छा है, बनाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, और काफ़ी चीज़ें फेमस दुकान है, काफ़ी समय से, पुराने समय हो गया, काफ़ी समय से फेमस। यही सब चीज़ें हैं। तो हमारी शॉप है यहाँ मछराई में। अच्छा, तो जब जब हमें ऐसा कुछ लगता है तो हम लोग यहीं आ जाते हैं। खाने की इच्छा हुई तो सीधे यहाँ आके बड़े मंगोड़े खाते हैं जी, मंगोड़े और आलू भंडे जो भी, सब अच्छा बनाते हैं। अच्छा, टेस्ट जनरली यहाँ का सबसे बेहतर है कि आपको ऐसा? नहीं, जनरली यहाँ का सबसे बेस्ट है ये है। और खाया हमने सब जगह, लेकिन वो टेस्ट नहीं मिलता है, और इतनी साफ सफाई भी नहीं देखने मिलेगी आपको कहीं। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, अभी तो शुरुआत है इनका, समय का काफ़ी टाइम से इनकी पीढ़ियाँ, काफ़ी पुराने इनके दादा से, फिर पिताजी, फिर अब भैया लोग हैं, काफ़ी समय से चला आ रहा है। कैसा मतलब जनरली मतलब कस्टमर रिलेशनशिप रखते हैं? बहुत अच्छी कस्टमर रिलेशनशिप है, हम लोगों को 5 साल हो गया, हम लोग कहीं नहीं जाते, भैया लोगों से अच्छा व्यवहार अच्छा है, दुकान ग्राहकों के प्रति सारी चीज़ें। अच्छा, जैसे ये काफ़ी फेमस हैं, दुकान काफ़ी फेमस है, देश के ज़्यादातर लोगों ने देखा है और इनको जानते हैं, इस दुकान के बारे में भी जानते हैं, कैसा लगता है, कुछ फील आता होगा जब आप इस दुकान के लिए चलते हैं कि चल के वहाँ पे मंगोड़े खाएंगे? हाँ, तो वो हाथ का फील आता है जो डालते हैं भैया लोग, अब भैया डालते हैं, पहले इनके पिताजी डालते थे, बड़े कढ़ाओं में तेल में अच्छा गर्म रहता है, हम लोगों ने भी देखा है अपनी आँखों। अच्छा, तो आप यहाँ के ही निवासी हैं? हाँ, मैं यहीं का ही निवासी हूँ। तो आपके भी पिताजी बताते होंगे इस दुकान के बारे में, कभी कुछ बताए आपसे, चर्चा किए? हाँ, चर्चा ये कि हाँ यही चर्चा है कि बहुत पुराने समय से चली आ रही है, अच्छी दुकान है, पहले रोड पे लगती थी, फिर अंदर आई, फिर पक्की हो गई। अच्छा, अब उनके बेटों ने संभाल लिया, बहुत अच्छा शुरू, बहुत पुराना कारोबार है, यही सब चीज़ें हैं सारी इनकी फेमस। तो क्या कहेंगे, जैसे आज के टाइम में जनरली माता पिता के कारोबार को, चाहे वो कितना भी बड़ा बिजनेस हो, आज के बच्चे अपना खुद का करना चाहते हैं जी। ऐसे में इन दो भाइयों ने इस दुकान को, अपने पिता की विरासत को संभाला, वो संस्कृति संस्कार धानी में ही मिल सकती है, और शायद वही हमको देखने को मिल रही है जी। कई जगह में ऐसा होता है कि पिता और पुत्र अलग अलग काम करते हैं, भले ही पिता कितना भी बड़ा बिजनेस मैन हो जी। पुत्र अपना कुछ अलग ही करना चाहता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, लेकिन अब घरों के घर के व्यवहार से होता है, इन लोगों को, उनके बड़े बेटे जो हैं उनको था शुरू से शौक, तो साथ में छोटे बेटे भी लग गए, और अच्छा चला सफ़र इनका, और कामयाब भी हो गए, तो शुरू से तो सारे ये दो भाई ही हैं कि और भी भाई? नहीं, दो ही भाई जी। अच्छा, तो दोनों भाई अपना यहाँ पे बिजनेस चला रहे, जो इनके पिताजी ने छोड़ी थी गया है, जो वो बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं, और अच्छे बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। हाँ, और अभी भी उस परंपरा को उन्होंने बरकरार रखा है, आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को दिखाना बोलूँगा दिखाने के लिए, क्योंकि आप देखें लाइन लगनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब इवनिंग का टाइम हो गया है और लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट करना पसंद करते हैं इस समय में। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। क्या नाम लिखते हैं आप? जी, मेरा नाम शेख रियाज है। शेख रियाज जी, धन्यवाद, आपने हमसे बात की और इनके बारे में काफ़ी जानकारी आपने दी। और